नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर के प्रशासनिक भवन में विधिवत ढंग से संकल्प कराने के बाद बाबा मंदिर की पूजा संपन्न की। उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद थे। मधुपुर उपचुनाव के ठीक पहले विधायक इरफान अंसारी के बाबा की पूजा अर्चना करने के बाद मामला गर्म हो गया है। इधर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने विधायक की पूजा करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। निशिकांत दुबे ने कहा कि पहली बार गर्भगृह में गैर हिंदू का प्रवेश हुआ है। इरफान अंसारी ने जबरदस्ती बाबा के मंदिर में प्रवेश किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं की भावना को भड़काने का काम किया गया है। वहीं इरफान अंसारी पर रासुका लगाकर जेल भेजने की मांग की। सांसद ने यह भी कहा कि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। बाबा मंदिर में विधायक द्वारा पूजा किए जाने संबंधी बयान के बाद उन्होंने धमकी दी कि मालगाड़ी से बैठाकर भेज दूंगा। वहीं निशिकांत दुबे का पलट जवाब देते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि बाबा भोलेनाथ सबके हैं, बाबा मेरे दिल में बसते हैं। बाबा मंदिर पहली बार नहीं पहुंचा, 6 माह पूर्व में विधायकों के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचा हूं। सांसद निशिकांत दुबे की ओर से आगामी 17 अप्रैल को होने वाले मधुपुर उपचुनाव को लेकर जिस प्रकार से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके मंदिर जाने से सनातन धर्मावलंबियों को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगते हैं। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के बहाने सनातन धर्म की आड़ लेने की कोशिश ना करें। बाबा भोलेनाथ सभी के हैं, उनके प्रति श्रद्धा आस्था जो है वो हमेशा रहेगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।